एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। आप सभी के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कुछ होली हैक्स, जो कि आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके नेल्स, आपकी आईज के लिए काम आएंगे। तो अगर आप लोगों को अपनी होली हैप्पी बनानी है तो आपको मेरे ये हैक्स अपनाने पड़ेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि होली आने तक ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो घर से निकलने से पहले आप अपनी आंखों में रोज वाटर डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आंखों में कलर चला जाता है और उसकी वजह से जो बर्निंग होती है ना आंखों में, उसका तो पूछो ही मत। इसलिए अगर आप रोज वाटर डालेंगे तो आपको वो जलन महसूस नहीं होगी। और सबसे अच्छा, ग्लासेस वियर करो, स्टाइल भी मार लोगे और आंखों में कलर भी नहीं जाएगा। कपड़े ऐसे पहनो जिसमें आप पूरे कवर हो जाओ। इतने भी कवर नहीं होना है कि जोकर दिखो, भाई फोटोज भी क्लिक कराने हैं। मेरा मतलब है कि कपड़ों का सिलेक्शन ऐसा करो जिसमें आप मैक्सिमम कवर भी हो जाओ और स्मार्ट भी दिखो। अब बात करते हैं फेस की। जब लाल हरा कलर हमारे फेस पर लगता है ना, तो हम किसी बंदर से कम नहीं दिखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, घर से निकलने से पहले दही से 5 मिनट तक आपको अपने फेस पर मसाज करनी है, जिससे आपका फेस मॉइस्चराइज हो जाएगा और कलर ज्यादा देर तक टिकेगा ही नहीं। और अगर आपको दही सूट नहीं करता है तो आप मलाई से भी अपने फेस पर मसाज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी की, क्योंकि फेस और बॉडी में अंतर होता है तो उसको ट्रीट भी अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। आपकी बॉडी पर कलर ज्यादा देर तक नहीं रुके, इसके लिए क्या करना है, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके लगाना है, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत चिकना और ग्रीसी होता है। तो उस पर अगर हम उसको पहले लगा लेंगे तो उस पर कलर ज्यादा देर तक रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको घर से निकलने से पहले इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने हाथ पैरों पर, नेक पर, बैक पर अच्छे से लगा लीजिए। अब मैं आप लोगों को एक क्लींजर बताऊंगी। इससे मसाज करने से आपके फेस को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं। इसीलिए तो आप इससे अच्छे से अपने फेस पर मसाज करना और आपका सारा कलर निकल जाएगा। तो मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या क्या मिक्स करना है। इस क्लींजर को बनाने के लिए 1 चम्मच बेसन लें, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 1 चम्मच लें दही, और इसमें 1 चम्मच मिलाएं कोई सभी फेस वॉश जो आप यूज़ करते हों, और 1 चम्मच मिलाएं इसमें कोकोनट ऑयल। मैंने पैराशूट का कोकोनट ऑयल लिया है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें रोज़ वाटर डाल सकते हैं या पानी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके इससे अपने चेहरे की मसाज करें, सारा कलर छूट जाएगा। अब बात करते हैं हेयर की। अब कलर लगने के बाद भी बाल जो ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं ना, उसका तो पूछो ही मत। और गलती से अगर किसी ने अपने बालों पर हाइलाइटिंग वगैरह करा रखी है ना, तो बाल तो आपके निश्चित है खराब होने ही होने हैं। तो अगर आपको अपने बालों को कलर से बचाना है तो सबसे पहले भाई घर से निकलने से पहले कोकोनट ऑयल से चंपी कर लीजिए अपने बालों पर और टाइट पौनी बना लीजिए। अब आपको पौनी भी नहीं बनानी है, पिक्स बेकार आएंगे, तो क्या करिए, हाई बन बना लीजिए और उसको बॉबी पिन से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए, ताकि आप अगर किसी का शिकार बन रहे हैं ना कलर लगने के लिए, तो वो खुले ना, वरना वहीं बेइज्जती हो जानी है भाई और सारा कलर आपके बालों में घुस जाएगा। एक और नया हैक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आपको तो पता ही है कि बालों पर कलर लगने के बाद बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए, उसके बाद आप दही, उसमें आधा नींबू और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके उसका पेस्ट बना के अपने बालों पर लगा लीजिए और 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए, फिर देखिए आपके बाल बिल्कुल पहले जैसे सिल्की हो जाएंगे। तो आप ये नुस्खा अपनाना जरूर। अब बात करते हैं नेल्स की। तो भाई होली भी खेलनी है और नेल्स भी गंदे ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप घबराइए मत, आप जी भर के होली खेलिए। और मैं आपको एक नया हैक बताऊंगी जिससे आपके नेल्स बिल्कुल भी पिंक पिंक, उनकी आउटलाइन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अपना नया हैक। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेके अपने नेल्स पर अप्लाई कर लें। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों हाथों पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा लिया है। उसके बाद कोई भी अपनी चॉइस से डार्क कलर का नेल पेंट लगा लें। और अगर आपके नेल्स मेरी तरह बड़े हैं तो अंदर की साइड से भी नेल पेंट को लगा लीजिए।
कोकोनट ऑयल या ग्लिसरीन से अपने नेल्स के अच्छे से मसाज कर लीजिए 5 मिनट तक। अब कोई भी कलर आपके नेल्स पर नहीं लगेगा। अब आपके नेल्स पर एक सील क्रिएट हो गई है। अब कोई भी आपके नेल्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस क्या करना है, अब रिमूवर मारना है आगे पीछे दोनों तरफ अपने नेल्स पर और आपके नेल्स बिल्कुल क्लियर निकलेंगे। तो कैसे लगे आपको मेरे ये देसी जुगाड़? अब मस्त होके टेंशन फ्री होके होली खेलिए। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना आपके नेल्स का, ना आपके हेयर का, ना स्किन का, किसी का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मस्त होके मेरे हैक्स अपनाइए और मजे से होली खेलिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। बहुत सारे हैक्स बता दिए मैंने आपको, अब इन्हीं को अपना के आप मजे से होली खेलिए। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब को तो कर ही दो भाई, ऐसे मस्त वाले वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।